राप्ती, घाघरा और रोहिन नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी को दर्ज किया जा रहा है। नदियों के जलस्तर बढ़ने के साथ जनपद में लगभग 21 गांव आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस बारे में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद के तीनों नदियों में धीरे धीरे जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है। तहसीलों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 21 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जहां पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। साथ ही लगातार तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, अभी जो रिपोर्ट कलेक्ट हो रही है, सभी तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त किया जा रहा है, लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट थी उसमें 21 ग्राम प्रभावित हुए हैं आंशिक रूप से राप्ती और रोहिन और घाघरा की वजह से और आमी की वजह से। तो ये 21 गांव जो हैं, इन 21 गांवों में राहत का कार्य भी चल रहा है यथासंभव, जहाँ भी तहसीलों द्वारा जो मांग की जा रही है। लेकिन नदियों का जलस्तर लगातार धीरे धीरे बहुत स्टेडीली बढ़ रहा है, तो उसके दृष्टिगत सभी तटबंधों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। नाइट में भी आपदा कार्यालय के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि रात्रिकालीन भी उनकी निगरानी चलती रहे। वर्तमान में सभी तटबंध अभी सुरक्षित हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आवागमन बाधित हुआ है वहाँ पे सुरक्षित आवागमन हेतु नाव लगा दी गई है, तभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। ऐसी अभी कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय सूचना प्राप्त नहीं हुई है।